महाराष्ट्र की सियासत की सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सोमवार को मुंबई जा रहे हैं, जहां वो विधायकों से मिलेंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद गडकरी ने एक बार फिर कहा कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष के इन ठहाकों के पीछे क्या पक रहा है, इसे लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों नागपुर में बीजेपी के दफ्तर में बैठे। इस दौरान बीजेपी के कई और विधायक भी थे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी के घर पहुंचे थे, जहां से फडणवीस के निकलते ही पत्रकारों ने गडकरी को घेर लिया। फडणवीस के आने की वजह पूछी तो गडकरी ने कहा वो दिवाली की शुभकामनाएं देने आए थे। देवेंद्र भाजपा का कार्यकर्ता है, हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। जहां तक मेरी बात है, मैं 10 बार बता चुका हूं कि मैं दिल्ली में खुश हूं, मुझे महाराष्ट्र में आने का कोई कारण नहीं है। महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की, उनको करने का उन्होंने किया, तो उससे मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी दिल्ली में हूँ। गडकरी ने यह भी जताने की कोशिश की कि सीएम पद को लेकर उनके और फडणवीस के बीच कोई कड़वाहट नहीं है। जय और देवेंद्र को लेकर जो विवाद मीडिया में चलता है वो केवल हमको दुख देने वाला है, दोनों के लिए भी, और दोनों का इस बात से कोई संबंध नहीं है। देवेंद्र को राजनीति में मैंने लाया और मुझे लाते समय उनके पिताजी थे, उन्होंने लाया। हमारे पारिवारिक संबंध है, संगठनात्मक संबंध है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की रेस में शुरू से ही आगे चल रहे थे, लेकिन इस बीच नितिन गडकरी का नाम भी तेजी से सुर्खियों में आ गया। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने गडकरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। कई विधायकों ने भी गडकरी के लिए लामबंदी शुरू कर दी। खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व फडणवीस को ही सीएम बनवाना चाहती है, हालांकि गडकरी को भी साधने की कोशिश की जा रही है। सीएम पद के साथ साथ शिवसेना से दोस्ती को लेकर भी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। सूत्रों से खबर है कि अंदर खाने गुपचुप बातचीत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने दावा किया है कि 26 अक्टूबर के बाद ही वो कोई बड़ा फैसला लेगी। कैमरा विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो नितिन गडकरी विवाद पर ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक है कि लग नहीं रहा। लेकिन हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।